बहुत साल पहले की बात है। एक नगर में किशन नाम का लड़का रहता था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। वह अपने गुजर बसर के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाता और नगर में बेचता। इन लकड़ियों को बेचने से लकड़हारे को जो पैसे मिलते उसे वह अपने लिए खाना खरीद कर खा लेता और अपनी माँ को भी खिलाता। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। एक दिन की बात है कि जंगल में लकड़हारा एक तेज बहती हुई नदी के पास एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। पेड़ से लकड़ी काटते हुए कुल्हाड़ी लकड़हारा के हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा और कुल्हाड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद लकड़हारे को उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। लकड़हारे ने सोचा कि नदी में पानी बहुत गहरा है और बहाव भी तेज है, कुल्हाड़ी नदी के पानी के साथ बह गई होगी। उदास और मायूस होकर लकड़हारा नदी किनारे बैठकर रोने लगा। कुल्हाड़ी खो जाने से लकड़हारा काफ़ी दुखी था। लकड़हारा यह सोचने लगा कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह नई कुल्हाड़ी खरीद सके। जब लकड़हारा दुखी होकर नदी किनारे बैठा हुआ था, तब नदी से एक देवदूत स्वरूप मनुष्य प्रकट हुए और उन्होंने लकड़हारे को आवाज़ लगाई। देवता ने लकड़हारे से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो और तुम रो क्यों रहे हो। देवता के पूछने पर अपनी कुल्हाड़ी खोने की पूरी कहानी बताई। लकड़हारे की बात सुनकर देवता ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाऊंगा। यह बात कहकर देवता ने लकड़हारे को उसकी मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद देवता नदी में समा गए और कुछ देर के बाद नदी से बाहर निकले। लकड़हारे ने देखा कि देवता के हाथ में तीन तरह की कुल्हाड़ियाँ हैं। पहली कुल्हाड़ी को दिखाकर जो सोने की बनी हुई थी, देवता ने लकड़हारे से पूछा कि बताओ क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है। लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। इसके बाद देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी को दिखाते हुए पूछा कि यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है। लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। इसके बाद लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी को दिखाते हुए देवता ने वही प्रश्न दोबारा किया। इस बार लकड़हारे ने जवाब दिया कि जी हाँ, यह लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी ही मेरी है। इसी से मैं पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते समय यह मेरे हाथ से छूटकर नदी में गिर गई थी। देवता लकड़हारे की ईमानदारी को देख के बहुत ही प्रसन्न हुए। देवता ने कहा कि किशन, यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह लालच में आकर सोने चांदी की कुल्हाड़ी ले लेता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अधिक प्रसन्न हैं। तुमने पवित्र और सच्चे मन से मेरे द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए, तो मैं तुम्हें उपहार के रूप में यह तीनों कुल्हाड़ी भेंट करता हूँ। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर बहुत खुश था। वह तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला गया। वह कुल्हाड़ी अपनी माँ को दिखाने लगा। उसकी कुल्हाड़ी देखकर उसकी माँ बहुत प्रसन्न हो गई। उसने अपनी माँ को जंगल में हुई सारी घटना बता दी कि उसकी ईमानदारी देखकर देवदूत ने उसे इनाम के स्वरूप पे यह तीन कुल्हाड़ी उपहार दी थी। फिर लकड़हारा और उसकी माँ अपने जीवन हंसी खुशी से बिताने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी जीवन में ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थिति हालात कैसी भी हो, अपनी ईमानदारी को नहीं खोना चाहिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।